अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईद स्पेशल मैच में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्रिस्पी सा मज़ेदार सा चिकन फ्राई की रेसिपी। इस चिकन फ्राई को हम बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि हमने चिकन फ्राई कैसे बनाए और आप इसे ट्राई करिएगा इस ईद पर, आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी सा मज़ेदार सा चिकन फ्राई बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हमने एक किलो चिकन लिया है, ये हमने पूरा चिकन लिया है। बड़े बड़े पीसेज में हम इसमें कट्स लगवा देंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरोट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अरोट पाउडर भी नहीं है तो आप चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून जीरा गार्लिक पेस्ट लेंगे, 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेंगे। पाउडर मसाला में 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून फुल भर के कचरी का पाउडर लेंगे यानी मीट टेंडराइजर लेंगे। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप इसमें कच्चे पपीते के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में किराने की शॉप पे होती है ना, उस पर आसानी से मिल जाएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे। मिर्च मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें बेसन की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब जो है वो हमने अपने चिकन को मसालों मिलाने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हमने चिकन जो है वो एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। जो पाउडर मसाले लिख रखे थे वो सबसे पहले इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। सारे यहाँ पाउडर मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 पिंच इसमें जो है वो ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया ताकि जो इसका कलर है वो बिल्कुल बाजार जैसा आए, रेड रेड सा कलर आए। तो यहाँ पर सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो जी यहाँ पर सारे मसाले ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे, अरारोट पाउडर यानी कॉर्नफ्लावर जो लेके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, 7 बेसन जो लेके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद जो है अपने चिकन को जो है वो अच्छी तरीके से मसालों में मिला लेते हैं। अभी हमने इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं किया है, वो हम बाद में इसमें करेंगे। तो यहाँ पर चिकन के एक एक पीसेस को जो है वो अपने मसालों में अच्छी तरीके से मिलाते हैं। यहाँ पर इसे पहले अच्छी तरीके से मसालों को मिलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जो आप लोग देखें यहाँ पर मैंने इसे बड़े बर्तन में निकाल लिया था और चिकन को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिला लिया है। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। यहाँ पर ही हमने आपको मसाला ही बनाना सिखाया है, एक साथ हमने दिया है। जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ चिकन फ्राई जो शेयर किया था वो हमने जो है अपने होम मेड मसाले के साथ फ्राई शेयर किया था। हमने आप लोगों के साथ एक चिकन फ्राई मसाला शेयर किया था जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत अप्रिशिएट आप लोगों ने हमारे उस मसाले को किया है। तो आप चाहें तो चिकन फ्राई उस मसाले से ही बना सकते हैं। आपको उस मसाले इसमें डालने के बाद आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े पीसेज होते हैं, जो ब्रेस्ट के पीस होते हैं, लेग जो होते हैं, उसमें हमने आप इस तरीके से कट लगवा लिए थे ताकि जो हमारा मसाला है वो अंदर तक मैरिनेट होकर इसमें चले जाए। तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरीके से सारे मसालों के साथ मिलाने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो जी यहाँ पर चिकन में सारे मसाले मिलाने के बाद अब इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए। हम इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो कम से कम यहाँ पे 15 मिनट के लिए आपको मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है। अगर आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर आपको इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा कम से कम। यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से क्लिंग रैप से रैप करके इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा चिकन मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिल चुका है, हमने इसे क्लिंग रैप से रैप कर दिया है। अब इसे हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए फ्रीज में। अगर आप लोग इसमें कचरी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे यानी मीट टेंडराइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको जो है वो इसे फिर आपको इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। हमने इसमें कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है, उससे जो हमारा चिकन है वो जल्दी से मैरिनेट हो जाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बनता है। उसके साथ हमने कॉर्नफ्लावर का ऐड इसलिए किया है ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लावर है वो हमारे चिकन को बाहर से क्रिस्पी बनाएगा। कॉर्नफ्लावर चिकन को बाहर से क्रिस्पी बनाएगा और वहीं कचरी पाउडर जो है वो चिकन को अंदर से टेंडर करेगा। तो ये चीज़ होती है इन दोनों को एक साथ यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चिकन फ्राई या फिश फ्राई में। तो यहाँ पर हमारा जो है चिकन मैरिनेट होने के लिए छोड़ते हैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में, फिर करते हैं इसे। तो जो यहाँ पर अब चिकन को हम फ्राई करेंगे, चिकन को आज यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक डीप फ्रायर में फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक डीप फ्रायर पावर इसकी ऑन कर दी है, पावर ऑन का इंडिकेटर ऑन हो गया है। 180 डिग्री पर ऑयल को गर्म कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो जी यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डीप फ्रायर है उसका जो ऑयल है 180 डिग्री पर अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमें चिकन फ्राई को 180 डिग्री पर फ्राई करना है। आप इसे कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। आपको कढ़ाई में ऑयल लेना है, ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें चिकन के पीसेज ऐड कर देने हैं और उसे इसी तरीके से फ्राई कर लेना है जिस तरीके से हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके की जो होती है इसकी फ्राइंग बास्केट होती है वो हमने रख दी है यहाँ पर, और चिकन के पीसेज हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक एक करके सारे चिकन के पीस हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे।
ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डीप फ्रायर है, मैंने रमज़ान की शॉपिंग की थी उसमें मैंने परचेज़ किया था ये। इसकी अनबॉक्सिंग मैं आप लोग साथ शेयर नहीं कर पाया, इंशाल्लाह आगे ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसका रेड इंडिकेटर बंद हो जाएगा। यहाँ पर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद हम इसमें एक एक करके सारे चिकन के पीस ऐड कर देंगे और इन्हें ऐसे ही फ्राई होने देंगे। यहाँ पर हमने इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही फ्राई हो जाएंगे। अब कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो आप पहले मीडियम फ्लेम पर उसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा, फिर उसके साइड चेंज करके उसे फ्राई कर लीजिएगा घुमाते घुमाते। कढ़ाई में जो है आपको 5 से 6 मिनट लगते हैं चिकन फ्राई करने में, और डीप फ्रायर में आपको 8 मिनट लगते हैं 180 डिग्री पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर हम इसे अभी और फ्राई करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर जो डीप फ्रायर में चिकन फ्राई होता है इसमें ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता और बहुत क्रिस्पी सा हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार होता है। इसमें बहुत जल्दी से फ्राइंग की चीज़ें रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसे फ्राई होते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से ऊपर एडजस्ट कर देंगे और इसका जो एक्सीज ऑयल है उसे निकलने देंगे। बहुत मज़े का हमारा फ्राई बनकर तैयार होता है, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं हमें इस चिकन फ्राई बनाने में। तो यहाँ पर हमारा एक बैच फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब दूसरा बैच हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अब बड़े बड़े चिकन के पीस हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से 180 डिग्री पर फ्राई कर लेंगे 8 मिनट के लिए। 8 मिनट में ये भी फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कढ़ाई में भी फ्राई करने का तरीका भी बता दिया कि आप कढ़ाई में किस तरीके से चिकन को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पीसेस में हमने अच्छे तरीके से जो है वो मसाला लगा लेंगे जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो सेकंड बैच है ये भी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब करते हैं इसे डिश आउट। तो लीजिए हमारा चिकन फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देखें यहाँ पर कितने मज़े का, कितना क्रिस्पी हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार हुआ है। बहुत जल्दी से बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा चिकन जो है वो आधे घंटे में बनकर तैयार हो गया। अगर आपके यहाँ कोई अर्जेंट मेहमान आ गया है और आपको चिकन फ्राई बनाना है तो आप जब भी इस फ्राई को बना सकते हैं। बिल्कुल मज़े का, जैसा आप लोग बाज़ार से खाते हैं उस तरीके का क्रिस्पी होता है, अंदर से बिल्कुल जूस से निकलता है। तो आप इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी आज की चिकन फ्राई की रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।